नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से सेलेक्ट होकर आने वाले बंदों के बारे में, जो अभी सेलेक्ट होकर आएंगे। ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाने पड़ते हैं, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या इवेंट कराए जाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान आपको कहाँ रखा जाता है, और ट्रेनिंग में कैंटीन की सुविधा होती है कि नहीं होती है, मेडिकल की क्या सुविधाएं होंगी, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है, जैसा कि पिछली वीडियो बना रखा हूँ सैलरी का, फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप अपने लिए मेहनत करें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल CAPF अपडेट एंड टेक में जाकर सर्च करें, और मेरा लोगो आपको दिख रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक करके मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग देरी ना करते, ये वीडियो को स्किप ना करते, ये वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। अब हम ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। ज्वाइनिंग के समय क्या क्या दस्तावेज ले जाएंगे आप? नंबर एक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भर्ती के समय और परीक्षा देते समय लगाए थे, आप वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, और उनकी फोटो कॉपी भी कम से कम 10-10 पेज करा लेना, उसको भी ले जाना, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आप लगा लेना। और नंबर दो में अपनी फोटोग्राफ्स जो छोटी वाली होती है पासपोर्ट साइज की, उसको कम से कम 50 ले लेना, क्योंकि बहुत आवश्यकता पड़ेगी उसकी। और नंबर तीन देखिएगा, अपना खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ये सब होगा तो आप ले लेना, लेकिन आधार कार्ड जरूर ले लेना, ठीक है। और जो बैंक पासबुक पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो वहां आप जाओगे तो वहां आपका खाता भी खुलवा दिया जाएगा और आपका पैन कार्ड भी बनवा दिया जाता है। और नंबर चार में अपने माता पिता, पत्नी, भाई, बहन, इन सब का एक एक आईडी का फोटो कॉपी रख लेना, जो भी आईडी होगी, और कम से कम इनका फोटो ले लेना, 5-5। दोस्तों मैं आपको ट्रेनिंग का बताऊं तो सिपाही जीडी की जो ट्रेनिंग होती है SSB, CISF, CRPF, VSF, ITBP, ये 44 सप्ताह की होती है, यानी कि 9 महीने होती है इसकी ट्रेनिंग, जिससे आपका लास्ट में पासिंग आउट परेड हो जाता है। और 9 महीने के बीच में आपको उसके पहले, जब 6 महीना होता है स्टार्टिंग से, आपको छुट्टी मिलती है, 15 दिन मिड टर्म बोलते हैं जिसको। और ट्रेनिंग में इवेंट कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सुबह सुबह 6 बजे आपको PT के लिए जाना होता है, 2 घंटा PT होती है, जिसमें कभी कभी 5 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ये सब होते हैं। और प्रतिदिन वाली PT तो नॉर्मल दौड़ होती है, 2-3 किलोमीटर ऐसे होती रहती है। और उसके बाद परेड होता है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो बना रखा हूँ, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो की भी आप लोग देख लेना परेड वरेड संबंधित। और उसके बाद हथियार की भी ड्रिल होती है, हथियार के साथ कैसे ड्रिल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। फिर शाम के समय भी परेड होती है, उसके बाद 1 घंटा का गेम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है ट्रेनिंग लिए नेक्स्ट डे आएंगे दोस्त। अब आ जाता है रहना, रहेंगे कहाँ पे? वहाँ दोस्तों बैरक्स होते हैं, रहने के लिए बैरक्स होती है, जिसमें सभी सुविधाएं होती हैं आपको, ठीक है, जिसे हम लोग हॉस्टल बोलते हैं अपने स्कूली भाषा में, उसे फोर्स की भाषा में जो है बैरक बोलते हैं दोस्तों। मेडिकल का क्या है? मेडिकल की दोस्तों पूरी सुविधा होती है, आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब होती है तो आपका तुरंत इलाज किया जाता है। ट्रेनिंग में जब भी आपको दौड़ होती है, तब आपके साथ एक एम्बुलेंस चलती है, उसमें जो है पूरी सुविधाएं होती हैं, कोई मान लो दौड़ते समय, चलते समय कोई तकलीफ हो जाती है, तो आपको तुरंत एम्बुलेंस में बैठा के तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सैलरी का दोस्तों, जैसा कि मैं सैलरी का अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ बहुत बढ़िया से दिखा करके, ठीक है, आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर देख लेना। अब आ जाता है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। दोस्तों आप लोग को फ़ोन का इस्तेमाल ट्रेनिंग के समय में नहीं यूज करने दिया जाएगा, जब आपका रेस्ट का समय होगा तब आप उस समय में आप फोन इस्तेमाल कर सकेंगे, बाकी तो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी दोस्तों? दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर तो देश के कोने कोने में बने हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, राजस्थान, केरला, श्रीनगर, बिहार, UP, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी जगह पर ट्रेनिंग होती है, जोधपुर, ये सब जगह पर ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपनी ट्रेनिंग कर लेंगे दोस्तों, पूर्ण कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे होते हैं, आप लोग को जब यहाँ पे थकावट होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग को जो पीछे नहीं हटना है, अगर आप लोग पीछे हटेंगे तो बहुत पछताएंगे, तो पीछे नहीं हटना है, करते रहना है, सबका निकल जाता है, ठीक है। हंसते गाते खेलते दौड़ते रोते गाते सबकी ट्रेनिंग निकल जाती है आराम से, कोई चिंता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।